played, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जब यहाँ भी प्ले होगा तो आप सभी लोग वो फील करेंगे, क्योंकि मेरे मैंने महसूस किया है कि जब मैं उस गाने को मैंने आज तक सुना है तो मुझे मैंने रोंगटे महसूस किए हैं. तो आई गेस कि आप सभी के साथ भी वैसी फीलिंग आने वाली है. बट नाउ ओवर टू यू सर, आप ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे. मैं सबसे पहले सबसे नमस्कार कहूँगा और बहुत अच्छी बात यह है कि हमारा सौभाग्य है कि आप लोगों के बीच आज मैं खड़ा हो पा रहा हूँ, क्योंकि कुछ देर पहले मैडम ने बोला कि रियल में पर्दे के हीरो तो कोई और होते हैं और सच के हीरो कोई और होते हैं, जो आज हम खुद अपने आंखों से सभी को देख रहा हूँ. बस गुड फील ये है कि ये जो देशभक्ति के ऊपर मैंने एक सॉन्ग बनाया था वो 15 अगस्त को मैं रिलीज करने वाला था, लेकिन इन्होंने बोला कि ऐसी से चीज़ें हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है, तो मुझे अच्छा फील हुआ कि जब आप लोग खुद आ रहे हैं तो क्यों ना हम आपके सामने करें, किसी एक्टर को लेके क्या करेंगे. तो इसलिए आज हम आप लोगों के लिए कृष्णा शांति प्रोडक्शन एंड केएस प्लेयर के उससे हम एक सॉन्ग अपने जो बनाया है बहुत जल्दी आप लोगों को देखने को पर्दे पे भी मिलेगा, लेकिन ऑडियो में आज ही लॉन्च कर रहा हूँ आप लोगों के लिए. प्लीज आप देखें सुने इसको कैसा लग रहा है, गुड फील आएगा. हिप 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 हिंदुस्तान मेरी जान मेरी जान. Wait, before playing this song, I have prepped kiye hain. So I want leaders to be on stage. Aap log please sir, I request you ki aap log yahin par rahiye. Aur sabhi log apni apni jagah par khade ho jaiye. Because these are the very special moments and this needs to be captured. सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि बहुत खुशकिस्मत हूँ मैं कि ऐसे रियल हीरो के सामने आज हम प्रेजेंट हो पाए, जैसे हमारे देश के भी जवान लोग आए हैं जिन्होंने हमारे देश के बहुत योगदान दिए हैं. अपनी जवानी जान भी लोगों ने गंवाई है, किसी ने टांग गंवाई, किसी ने कुछ गंवाई, उन्होंने बहुत कुछ करके आज इस स्टेज पर बचे हैं. रियल हीरो को मैं स्पेशल सैल्यूट करता हूँ. और मैं स्पेशली क्या है कि मैं फिल्म प्रोड्यूसर हूँ, कृष्णा शांति प्रोडक्शन मेरा प्रोडक्शन हाउस है और आज मैंने केएस प्लेयर लॉन्च किया है और आज ही इसी के मुहूर्त पे हमने एक देशभक्ति के लिए सॉन्ग भी लॉन्च किया है जिसका बोल है हिंदुस्तान मेरी जान हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हैं सब मेरे भाई भाई, तो सबके दिल में ये बसता है हिंदुस्तान मेरी जान मेरी जान. इस गाने का वीडियो बना कुछ बना प्लान है बना आज मैंने ऑडियो लॉन्च किया है और बहुत जल्दी आप लोगों को वीडियो भी देखने को मिलेगा, क्योंकि 26 जनवरी आपके सामने ही है, आप जरूर देखेंगे हमारे केएस प्लेयर के थ्रू और केएस म्यूजिक दोनों है हमारा, उसके थ्रू आप जल्दी बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आएगा. जैसा कोई गाना है हिंदुस्तान गाना हमारा, अच्छा कोई प्लान है आगे फ्यूचर में की ऐसी इस तरह की फिल्म बनाए. देखिए ऐसा कि आज 10-15 साल हो रहा है कि मैं कह सकता हूँ कि बहुत ऐसी चीज़ें नई मार्केट में आई हैं कि जो दिल को लोग छू के जाए. मेरा ये कहना है किसी चीज़ को ख़त्म मत करो, सबको जगाते रहो. हिंदुस्तान भी मेरे लिए आजकल भागा भागी में सबको लगे, लेकिन हिंदुस्तान के बारे में भी सोचो, जवानों के बारे में भी सोचो, देशभक्ति के बारे में सोचो. जैसे सारे इंटरटेनमेंट मूवियाँ बन रही हैं उस तरह हमारी देशभक्ति की भी एक आध दो मूवी जल्दी जल्दी आनी चाहिए जो लोगों के अंदर वो जागरूकता बनी रहे. तो बहुत जल्दी आप लोगों को इस पर भी मूवी देखने को मिलेगा. स्टेज पर आपने एक वादा किया है, सर वादा मैंने ये किया है कि जो भी हमारी इस प्रोडक्शन हाउस से इनकम आएगा उसका 15% हम ऐसे लोगों के लिए जो जिनको डीडी जैसे उन्होंने बोला कि आज मैंने देश के लिए अपनी टांगे गंवा दी, अपनी हाथें गंवा दी, लेकिन आज भी मुझे सरकार से या किसी से कोई ऐसा हेल्प नहीं मिलता कि हमारी टिकटें फ्री कर दी हो या हमें कहीं कोई मेरी स्पेशल व्यवस्था कर दी, तो वो डीडी है
वो पर्सन नीडी है, उसके पैर भी नहीं, उसके हाथ भी नहीं, तो करना चाहिए कुछ ना कुछ। तो जरूरी है कि अगर हम किसी लायक अगर हो सकें तो इन्हीं लोगों के लिए वो पैसे खर्च होंगे, इन्हीं लोगों के कारण है। तो एक बात और कही उन्होंने कि जब फिल्म बनती है जी लोग वाह वाह करते हैं, एक्टर अवार्ड ले लेते हैं, बट जिस पे बनी है उन्हें कोई सम्मान, उन्हें भी बात नहीं मिलना चाहिए, मेरे हिसाब से मिलना चाहिए। आप अभी मुझे मूवी का नाम नहीं याद है, उसमें शायद आप बता सकते हो, जो हाईजेक हुआ था फ्लाइट, नहीं नहीं अभी रिसेंटली हुई थी, दो तीन चार साल पहले, पाँच साल की मूवी है, अनिल कपूर की लड़की ने बनाई, निर्जा में देखा, तो उसमें भी उन्होंने लास्ट में जो रियल निर्जा थी उसकी उन्होंने फोटो दी, उन्होंने स्पेशली थैंक्स दिया। तो ऐसे सबके लिए होना चाहिए, आप किसी पे कॉपी करते हो या कुछ भी करते हो तो दोनों क्या दिक्कत है, हम कहते हैं असली हीरो वही है, उसी कॉपी आप बना रहे हो, उसी कहानी बना रहे हो, देना चाहिए। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगर मैंने भविष्य में ऐसा कोई काम किया और आप खुद देखो उसको, आपको समझ में आ जाएगा कि हमने क्या दिखाया है। हमने हमेशा अपने कल्चर को समझ करके मूवी बनाई है और आगे बनाते भी रहेंगे। हमें अभी अपने वतन का और देश का ख्याल रखना है और आगे बढ़ना है। जी मैम, आप क्या कहेंगे? मैं बस यही कहूँगी कि मुझे बहुत खुशी है, मुझे अच्छा लगा, मैंने जो भी वादा किया है, और ये वादा इसलिए नहीं किया है कि हमारे पास पैसा है या हम कमा रहे हैं, इसलिए हमने नहीं किया है। हम चाहते हैं कि हमने इसलिए वादा किया हमारे जरिए और लोग भी हमारे साथ जुड़ सकें। एक से शुरुआत होगी तो आगे सब बढ़ेंगे, और जब सब बढ़ेंगे तो शायद सबकी मदद। देखिए अगर मैंने शुरुआत की तो मेरा देखा देखिए हो सकता और लोग भी जग जाए, जैसे उन्होंने कहा कि कोई नहीं आता। और ये कुछ चीज़ें हर जगह गंदगियाँ भी होती हैं, जैसे उन्होंने ब्लेम लगाया है कि 15 लाख मांग रहा था एक्टर, 20 लाख नहीं, आप एक्टर के पास तक बात ही नहीं पहुँचती है, ऐसा नहीं, वो भी इंसान होते हैं, इंसान वो भी होते हैं, तो उनके तक समझ में तो आए क्यों नहीं आएंगे। अगर आप रियलिटी में, आपके पास भी दिल है, मेरे पास भी दिल है, भाई कोई किसी मुसीबत में फंस जाए बात अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है, सब कॉपरेट करते हैं, उनको जगाने की जरूरत है। एक बात ये भी है ना, काफ़ी सारे अवार्ड हो रहे तो एक्टर कहाँ कहाँ जाएंगे, कौन कहाँ जाएगा? नहीं सर, ऐसा है, देखिए मैं माइंड करने वाली बात नहीं, अवार्ड तो अपने जगह पे है, नहीं कुछ रिश्ते अलग होते हैं, अगर जहाँ वतन की बात आ जाए, हिंदुस्तान की बात आ जाए, तो वहाँ तो भाई साहब जाना चाहिए। इंस्पायरिंग पर्सनालिटी अवार्ड है ये, आप लोग किससे इंस्पायर हुए इस फिल्म पाने के लिए? नहीं देखिए एक्चुअली इसके बारे में बिलीव करूँ कि शीला मैम ने इसको ऑर्गेनाइज किया, उन्होंने कहा कि मेरे पे कोई, जैसे उन्होंने कहा कि फिल्मी दुनिया कोई सपोर्ट नहीं करते हैं, तो उन्होंने बहुत जगह ट्राई किया, किसी ने नहीं किया, आज ये टोटल टू टोटल हमने किसी तरीके से सपोर्ट किया, तभी ये पार्टी उनकी हो गई। इंस्पायर किससे हुए आप इस फिल्म पे आने के लिए? आप किससे इंस्पायर हुए? मुझे भारत से, देश से, बस हम यहाँ रहते यही सबसे बड़ी इंप्रेशन है हमारे लिए, तो और कुछ क्या चाहिए, हम यहाँ हैं, यहाँ से जुड़े हैं, बस यही सबसे बड़ी भाग्य हम लोगों का, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हमेशा अपने हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं और यहाँ के लोगों से हमेशा जुड़ना चाहते हैं, सब तरह से, प्यार से, मोहब्बत से, अपने मन से, हर तरह से जुड़ना चाहते हैं। अब चाहे वो मूवी में हम दिखा दें, गाने में आप लोग को सुना दें, लेकिन जुड़ना चाहते हैं। नायक दीपचंद 188 मिसाइल रेजिमेंट कारगिल पंचग्रामी गांव पापड़ा हिसार हरियाणा का रहने वाला हूं। 3 प्रकरण में भाग लिए हैं, ऑपरेशन रक्षक जम्मू एंड कश्मीर जिसमें मैंने कश्मीरी लैंग्वेज कोर्स किया, हमारे रेजिमेंट के खुफिया विभाग में रहा, 8 आतंकवादियों को मुक्ति घाट उठाने में अहम भूमिका निभाई। उसके बाद 2 पराक्रम ऑपरेशन विजय कारगिल, तरौली के ऊपर पहली तोप का जो गोला निकला था वो मेरी तोप से निकला था, लेटू से शॉर्टकट में बताऊंगा आप लोगों को। हाँ, 10,000 गोले हमने दुश्मन के ऊपर दागे, 8 जगह गन पोजीशन को चेंज किया, इन्हीं कंधों के ऊपर रात को हम लोग पूरी लड़ाई लड़ी थी, और जब टाइगर हिल की लास्ट लड़ाई लड़ रहे थे तो मेरे दोस्त की यहाँ से गर्दन उड़ गई थी, इन्हीं हाथों में उन्होंने आखिरी सांस लिया। उसके बाद पार्लियामेंट में अटैक हो गया, ऑपरेशन पराक्रम शुरू हो गया, बॉर्डर पर हम लोगों को लगा दिया गया था, मगर जैसे ही 1 साल तक लड़ाई नहीं हुई, लोडिंग का ऑर्डर आ गया, मेन लोकेशन हमारा जो सिकंदराबाद में था, अनलोडिंग करते वक्त बम ब्लास्ट हुआ जिससे मेरा हाथ उड़ गया, डॉक्टरों ने जान बचाने के लिए मेरी दो टाँगें काटनी पड़ी, 5% मुझे बचने के चांस थे, पूरी रात ऑपरेशन चला, 17 बॉर्डर मुझे खून का चढ़ा, और डॉक्टर ने बताया 48 घंटे का टाइमिंग है, अगर जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा, मगर 12 घंटे बाद ही मुझे होश आ गया और आज आपके सामने सक्षम हूँ। और आज भी हमने वो क्या किया वो अतीत हो चुका है, मैं मिश्रा जी का और मैडम का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ, वो क्यों करता हूँ, क्योंकि आजकल वादे हर आदमी करके चला जाता है, नेता अभिनेता बहुत वादे करते हैं, मगर रियलिटी में जो हमारे इन्होंने सैनिक परिवारों के लिए, देखो
सम्मान और मान कोई बड़ी चीज नहीं होती, कितना दिया है मगर शुरुआत किया है वो सबसे बड़ी जरूरत, शुरुआत करने की जरूरत है, कर्म अपने आप बढ़ेगा। तो सरकार में धन्यवाद बोलता हूँ, और मैडम ने भी हमको ये बोला कि रिपन जी हम आगे भी ऐसे काम करते रहेंगे। सबसे खुशी की बात है कि आपके माध्यम से यही बोलता हूँ कि बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, तो क्यों नहीं हम लोग, क्यों हम लोग एक शहीदों के नाम दीपक हर उजलाते हैं ना, तो हमारे जैसे आदमी क्यों भूलते हैं, हमारा क्या योगदान नहीं है देश के प्रति, उन शहीदों के साथ हमें भी बलिदानी में देखा जाए। लेकिन ये बिल्कुल आपके सामने कड़वी सच्चाई है, एक दीपक शहीदों के नाम रहती है, एक शाम शहीदों के नाम रहती है, मगर कभी सुना नहीं होगा आप लोगों ने कि एक शाम दिव्यांगों के नाम। तो मैं आप लोगों से यही अनुरोध करता हूँ आने वाले टाइम में भी कि हम दिव्यांगों को भी आप इंतजार मत करिए कि कब इस देश से जाएंगे, कब हमारी मूर्ति पूजन होगा, जब जिंदा है तभी सम्मान करें, क्योंकि हमारे देश के अंदर ये परंपरा है मूर्ति पूजन की। कितने महापुरुषों को उठा लो आप, चाहे वीर शिवाजी की धरती पर हम खड़े हैं, वो मेरी भी कर्मभूमि है, जब उनका तिलक हो रहा था तो हम लोगों ने बगावत कर दी थी, और आज देखिए कितनी बड़ी बड़ी जय जयकार बोल रहे हैं, जब वो थे जब हम दिल से सम्मान नहीं दे सके और जाने। उसी तरह आज सैनिकों के सैनिक और गाय एक ही मिट्टी के बने हुए, जब तक गाय हमारी दूध देती है, हमारी माता है, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं। उसी तरह जैसे हम सैनिक हम सरहदों के ऊपर रहते हैं तो पूरा भारत का ठेका हमारे ऊपर होता है कंधों ऊपर, जब वो सैनिक रिटायरमेंट हो जाता है हमारे पास कितनी बड़ी बड़ी तोहफे रहती है, कितने बड़े चार्टर प्लेन रहते हैं, मगर जब वो रिटायरमेंट होकर आ जाता है तो गुम नाम की जिंदगी जीता है, आपकी सोसाइटी के अंदर सिक्योरिटी ड्यूटी करता है, तो क्या सम्मान है सैनिकों के लिए आप बताइए। ये 140 करोड़ के लिए क्वेश्चन मार्क है कि जो सैनिक राष्ट्र को हमेशा माइनस टेम्परेचर में लगा ले, इस देश के लिए काम करता है, जब वो रिटायरमेंट होकर आता है तो क्या ड्यूटी करता है, आप खुद सोचिए। 140 करोड़ गार्ड उसने क्या क्या कारनामे किए होते हैं। तो हृदय से आप कोई भी जिस भी धर्म को आप मानते हो, कहीं भी ज्वाला जलाओ, जब तक आप अंदर की ज्वाला नहीं जलाओगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। आप हम लोग एक दूसरे को दोष देते रहते हैं, मगर मैं ये बोलता हूँ एक दूसरे को दोष देने के बजाय मैं इस राष्ट्र के लिए क्या कर सकता हूँ, ये बात सोचनी है। आज मेरी भले ही कंडीशन ऐसी हो, मैं हर टाइम हर कदम इस राष्ट्र के लिए एक चलाता हूँ कि मेरे जब तक मैं जीऊँ इस संसार में, इस देश के लिए, उन वीरांगनाओं के लिए, मेरे जैसे आदमियों के लिए मैं कुछ करके जाऊँ, क्योंकि जन्म मृत्यु आपके हाथ में नहीं है मगर कर्म आपके हाथ में है, वो मैं आज कर रहा हूँ। और नमन करता हूँ आप सभी को और इस मातृभूमि को कि मुझे इस मातृभूमि में जन्म लेने का मौका मिला, और ये इसकी कोई भी कीमत नहीं है। आज आपके माध्यम से मैं बताता हूँ, नहीं इसकी ये बेशकीमती जो मैंने पहन रखी है, जो बेशकीमती जो मैंने पहन रखी है, आज देश का यह विश्व का सबसे अमीर आदमी भी ये नहीं पहन सकता है। उसके लिए जो बलिदान हमारे पीछे लगता है, वो बलिदान देकर के हमको ये वर्दी और ये मेडल मिले हुए, क्योंकि इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है। और मैं खुशनसीब हूँ उन सैनिकों में से कि मुझे युद्ध करने का मौका मिला और ये वर्दी पहनने का मौका मिला, क्योंकि मेरे खानदान में कोई सैनिक नहीं था। मैंने नेताजी की सुभाष चंद्र बोस की फोटो को देख करके इस वर्दी को पहना है, और आज मुझे प्राउड है कि मैं इस भारतीय सेना का एक अभिन्न अंग हूँ। भले ही मैं छोटा सिपाही हूँ, मगर आपको पता चींटी भी बड़ा बड़ा काम कर जाती है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ इस व्यक्ति को और धन्यवाद करता हूँ आप सबको। मैडम अरे नहीं मैडम आपका कोई मिस मैनेजमेंट नहीं हुआ। थैंक यू थैंक यू।